Alright, let us move on to first question of exercise 8.4. The question says, express the trigonometric ratios sine A, sec A and tan A in terms of cot A. आपको क्या करना है? Sin A, sec A और tan A इनको express करना है in terms of cot A. Easy question है. मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ. सबसे पहले साइन ए की अगर बात करें, हम साइन ए को कैसे कॉट ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखते हैं. इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ेगी. कौन सी आइडेंटिटी? आपको मालूम है कॉसेक स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज वन प्लस कॉट स्क्वायर ए. या आपने थ्योरी में पढ़ा है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. तो मैंने थीटा को रिप्लेस कर दिया किससे? ए से, क्योंकि एंगल ए गिवन है क्वेश्चन में. अब ध्यान से देखिए, इससे हम कॉसेक ए को लिख सकते हैं एज अंडर रूट ऑफ वन प्लस कॉट स्क्वायर ए. ठीक, इसी इक्वेशन में हमने क्या किया, इसी आइडेंटिटी में हमने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ. नाउ यू नो दैट साइन ए इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक ए. ठीक, साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है. तो आप ऐसे लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू वन ओवर कॉसेक ए कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ वन प्लस कॉट स्क्वायर ए. ये मैं कहां से ला रहा हूं? इससे. ठीक, फाइनली आपने क्या किया, साइन ए को रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ कॉट ए. एक्चुअली करना क्या था आपको, एलएचएस में साइन ए रखना था और आरएचएस में सिर्फ और सिर्फ कॉट होना चाहिए, कॉट के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए. तो आप देख सकते हैं हमने साइन ए को रिप्रेजेंट कर लिया इन टर्म्स ऑफ कॉट ए. ठीक, एक्चुअली आया क्या, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस कॉट स्क्वायर ए. ये पहली बात तो हो गई. अब सेकंड सेक्शन में आपको क्या गिवन था, सेक ए गिवन था आपको. ठीक, सेक ए के लिए क्या करेंगे, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको ये आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर ए. ठीक, और एक्चुअली मैं तीसरा जो आपको प्रूफ करना है टेन ए, ये पहले कर देता हूं, ज्यादा ईजी है. देखिए tan a को हम कैसे लिख सकते हैं, tan a कैन बी रिटन एज रेसिप्रोकल ऑफ cot a. तो ये tan a क्या हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ cot a. इसमें कुछ भी नहीं करना था, ये सिंपली फॉर्मूला होता है, आपको मालूम है. तो हमने क्या किया, tan a को रिप्रेजेंट कर लिया इन टर्म्स ऑफ cot a. मैंने अचानक सेकंड करते करते थर्ड पे क्यों आ गया मैं, क्योंकि इसकी जरूरत हमको पड़ेगी अभी सेकंड में, इसलिए. तो ये थर्ड सेक्शन भी हो गया हमारा. सेकंड पे वापस आता हूँ, sec स्क्वायर a कैन बी रिटन एज वन प्लस टेन स्क्वायर a. नाउ sec square a is equal to 1 plus tan square a means what? Whole square of tan a. Tan a ka whole square or tan a khud ka reciprocal of cot a. So it can be written as 1 upon cot a ka whole square. Thik? Ab aap likh sakte hain sec square a is equal to 1 plus 1 upon cot square a. Yahan pe apne squaring kar diya humne iska. Ab sec square a kya aa gaya aapke paas? LCM le lijiye. Cot square a प्लस वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स विल गिव अस सेक ए एज अंडर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस वन. एक्चुअली अच्छे से लिख देता हूँ इसको, कॉट स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन, देखिए कॉट स्क्वायर ए का जब आप रूट निकालेंगे तो वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, कॉट ए. तो आपने क्या किया, फाइनली सेक ए को भी आपने रिप्रेजेंट कर लिया इन टर्म्स ऑफ कॉट ए. ठीक, और ये आपका टेन ए हो गया थर्ड सेक्शन, ये आपका साइन ए हो गया, तीनों कवर अप हो चुके हैं. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं.